हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स के दौरान सूखापन महसूस क्यों होता है। देखिए, काफ़ी सारी महिलाओं के मुझे कमेंट मिलते हैं कि मैम, सेक्स के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा जलन का सामना करना पड़ता है, कट लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सूखापन हमें महसूस होता है, हम अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं प्लीज़ हमें बताइए। इसलिए वीडियो मैंने आपको बनाकर बताइए कि इसमें आपको क्यों होता है, क्या क्या कारण है इसके और क्या क्या निवारण है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको हो सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए। देखिए, ऐसा होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। सबसे पहले कारण मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो कारण ऐसा देखा जाता है, वो सबसे बड़ा पहला कारण ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में प्यार की कमी होना, यानी हस्बैंड वाइफ में अगर इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, फिजिकली अटैचमेंट ज़्यादा नहीं है, तो इसके कारण भी ऐसा हो जाता है। आपका जब भी आप रिलेशन बनाती है तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ में इमोशनली फिजिकली अटैचमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार काफ़ी होना ज़रूरी है। अगर दोनों पार्टनर में आपस में प्यार नहीं है, इमोशनली अटैचमेंट आप दोनों नहीं हैं, तो उसके कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सेक्स करते हैं तो वो एक ज़बरदस्ती का रिश्ता हो जाता है। तो ज़बरदस्ती के रिलेशन होने के कारण ये सारी चीज़ें का हमें सामना करना पड़ता है, सूखापन हमें महसूस होता है, कट लग जाता है, दर्द और जलन का सामना हमें यहाँ पर करना पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि वजाइना में प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना। अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, पहले से दर्द है, जलन है, खुजली है, तो उसके कारण भी दर्द आपको वहाँ पर महसूस होगा जब आप सेक्स करेंगे, तो उस दौरान आपको अच्छे से मजा नहीं आएगा, उस दौरान आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसका कारण होता है कि आपको पहले से ही वजाइना में कुछ इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखा जाता है वो होता है हार्मोन्स का। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है, हार्मोन्स आपके चेंज होते रहते हैं, पीरियड्स आपका सही तरीके से नहीं आता है, तो उसका कारण भी, उसका भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि हम जब भी सेक्स करते हैं तो उस दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, सूखापन हमें महसूस होता है। क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे अगर हार्मोन्स आपको अच्छे से बैलेंस में नहीं है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, तो उसके कारण भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि सेक्स के दौरान जलन दर्द का सामना लेडीज़ों को करना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यही होता है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए सेक्स के दौरान। अगर रिलेशन अच्छे नहीं है, प्यार नहीं है दोनों में, आपस में बात आप नहीं करते हैं और आप करना शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आप फोर प्ले पर ध्यान दीजिए। जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, फोर प्ले पर आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहले सेक्स से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो होती है फोर प्ले। आप आपस में एक दूसरे को टच करिए, पास में आइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको करिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सूखापन महसूस नहीं होगा। लेकिन आप फोर प्ले पर ध्यान नहीं देते हैं, आप आते ही सबसे पहले सेक्स करना शुरू कर देते हैं, तो उसके कारण आपको सूखापन, कट लगना, जलन लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ पास होते हैं, क्लोज होते हैं, तो आप दोनों की ही बातें होनी चाहिए, माइंड में और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर परिवार के स्ट्रेस वाली बातें, लड़ाई झगड़े वाली बातें, इन सबसे आप दूर रहिए। जब आप पास आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों अपने बारे में सोचिए, अपने अपनी चीज़ों के बारे में बात करिए, ठीक है, एक दूसरे को महसूस करिए, एक दूसरे को टच करिए। इस चीज़ के बारे में अगर सोच कर आप करेंगे सेक्स, तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको सूखापन, गीलापन, ये आपको सूखेपन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम महसूस होती है, आप सब कुछ कर लेते हैं, आप फोर प्ले भी करते हैं अपनी पार्टनर के साथ, फिर भी आपको ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपको और कोई भी घरेलू उपाय इसमें नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग आपको, काफ़ी यूट्यूब पर आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिल जाते हैं, लोग आपको बोलते हैं आप इसका ऑयल यूज करिए, उसका ऑयल यूज करिए, बल्कि मेरा मानना है उस जगह पर आपको कोई सा भी ऑयल या कोई सी भी चीज़ यूज नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर ही बताएगा आपको कि इस बीमारी का क्या इलाज है। वो आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, हो सकता है आपको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो, कोई गिठान हो, ठीक है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो महिला को, तो काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप नज़रअंदाज करके अगर ये फालतू की चीज़ों पर ध्यान देंगे, ऑयल वगैरह इन पर ध्यान देंगे, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है आगे जाकर। तो अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा मानना यही है कि आपको डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी सलाह, गाइड कोई नहीं कर सकता।
आप दोनों पार्टनर को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इस चीज़ से आपको बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसके बारे में आपको खुलकर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आपको जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। तो होप आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।